मित्रों, आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपके घर में झगड़ों का कारण बनते हैं ये 7 वास्तु दोष। वास्तु के जरिए अपनी सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, फिर चाहे वह निजी जीवन से जुड़ी हो या प्रोफेशन लाइफ से। यहां तक कि वास्तु के जरिए अपने रिश्तों को भी सुधारा जा सकता है। यह कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कूड़ेदान बनाने या कूड़ा रखने से भी घर में लोगों में मनमुटाव और जलन की भावना उत्पन्न होती है, इसीलिए इस दिशा में कूड़ादान भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। यदि कोई प्लॉट उत्तर व दक्षिण में सटकर तथा पूर्व पश्चिम में लंबा है तो ऐसी जगह को सूर्यभेदी कहते हैं। ऐसी जगह पर पिता पुत्र के संबंधों में अनबन की स्थिति सदैव रहती है। ऐसी जगह पर कभी घर नहीं बनाना चाहिए। ठंड या गर्मी उत्पन्न करने वाले अन्य उपकरणों को ईशान में रखने से पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता है और घर परिवार को अपमानित करता है। घर के उत्तर पूर्वी दिशा में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिशा में रसोई घर या शौचालय का होना भी घर के लोगों के संबंधों को प्रभावित करता है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बनी रहती है। घर के उत्तर पूर्वी दिशा में रसोई घर या शौचालय नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में स्टोर रूम टीले या पर्वत के समान आकृति के निर्माण से भी पिता पुत्र के संबंधों में परेशानियां आती है और दोनों में अविश्वास बना रहता है। घर के उत्तर पूर्वी कोने में स्टोर रूम नहीं बनवाना चाहिए। घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोना खंडित होने से पिता पुत्र के आपसी मामलों को लेकर हमेशा झगड़े रहते हैं, इसीलिए घर के उत्तर पूर्व कोने को हमेशा ठीक रखना चाहिए। घर के ईशान भाग यानी उत्तर पूर्व से उठा होना अशुभ माना जाता है। अगर यह उठा हुआ है तो पिता पुत्र के संबंधों में मित्रता व नजदीकी की कमी रहती है, इसीलिए घर बनवाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये थे मित्रों, आपके घर में झगड़ों का कारण बनते हैं ये 7 वास्तु दोष। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिन्हें आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी हाँ, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।